नमस्कार, एजुकेशन इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बात करने वाले हैं लॉकडाउन के बारे में। आपको बता दें, लॉकडाउन को लेकर कुछ बड़ी खबरें आ रही है और मोदी की ओर से भी एक बयान दिया गया है। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो इस बयान में भी कुछ खास स्पष्ट बात की गई है मोदी द्वारा। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। और साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं कि जो लॉकडाउन फर्स्ट और सेकंड थे वो अच्छे थे, या फिर जो लॉकडाउन 4 या 5 है वो अच्छे है। आप ये कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में महामारी के खतरे से निपटने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। मोदी ने इस महामारी संकट पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हुए कहा कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम महामारी को जितना रोक पाएंगे उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी। हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान किए गए प्रयासों का नतीजा दिखने लगा है और अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के संकेत मिलने लगे हैं। खरीफ की बुआई में पिछले साल के मुकाबले 12 से 13% की बढ़ोतरी हुई है। रिटेल में डिजिटल पेमेंट लॉकडाउन के पहले के स्तर का करीब 70% पहुंच गया है, जो इस बात का संकेत है कि देश में आर्थिक गतिविधियां पटरी पर लौट रही है। तो जो मोदी जी ने कहा है कि इस कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ाने चाहिए और इस पर बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, तो इस बात से साफ स्पष्ट होता है कि मोदी जी और सारी की सारी गवर्नमेंट, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स आगे कुछ ऐसे ऐलान करने वाली है जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ने वाली है। अब आर्थिक गतिविधियां बढ़ने का मतलब साफ है कि लॉकडाउन लगाना बिल्कुल भी नहीं है, जबकि लॉकडाउन हटाना यानी कि अनलॉक को कुछ और ज़्यादा बड़े लेवल पर करना, यानी कि कुछ और चीज़ें खोलना जिनमें कई सारी चीज़ें हो सकती है, जो कि कंटेनमेंट जोन के अलावा हर जगह खुल सकती है, यानी कि अब और कई सारी चीज़ों में छूट मिलने वाली है। मोदी सरकार के जो आज के बयान के बाद तो यही लग रहा है। इससे पहले मोदी का बयान आया था कि जान भी जहान भी, और उसके बाद से ही अनलॉक जैसी चीज़ें की गई थी, लॉकडाउन 4 में कई सारी छूटें दी गई थी, तो उसके बाद ये बयान आया है। इस बयान के पीछे अगर अर्थशास्त्रियों की बात माने तो उनका कहना है कि कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे कि अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर और ज़्यादा अच्छी तरीके से लाया जा सके। तो ये बात आज मोदी जी द्वारा की गई थी। इसी के साथ एक और बड़ी खबर दिल्ली से भी आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज साफ कर दिया है कि अब आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ने वाला है, अभी फिलहाल नहीं बढ़ने वाला है, यानी कि ऐसा कोई भी निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है ताकि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, यानी कि अभी लॉकडाउन को बढ़ाने के ऊपर निर्णय कुछ भी नहीं किया गया है, ऐसा कहा गया आज केजरीवाल द्वारा। और उसके बाद जो 18 जून से लॉकडाउन में पाबंदी वाली बात और कई अटकलें लगाई जा रही थी, उन सबको आज सरकार ने खारिज कर दिया है। तो ये कुछ आज लॉकडाउन से जुड़ी बड़ी खबरें आ रही थी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।